नमस्कार, जीएनआई न्यूज में आपका स्वागत है। जय जवान और जय किसान का नारा बुलंद करते हुए बाराबंकी जनपद के जिला अधिकारी को जवानों और किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि किसानों की पराली जलाने की समस्या को लेकर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है और वहीं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और जर्जर वाहनों से बेतहाशा धुआं निकलता है जो वातावरण प्रदूषित करता है, उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होती है। योगी और मोदी सरकार को उनके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। जनपद के किसी भी किसान के विरुद्ध मुकदमा दर्ज होता है तो भारतीय किसान यूनियन आर पार की लड़ाई लड़ेगा। और जवानों ने कहा कि उनकी सेवानिवृत्ति के पहले और बाद में समर्थन समस्याओं के समाधान के लिए एक पटल का गठन करने की बात, महीने के एक शनिवार को समस्याओं का निदान होना चाहिए। आइए देखते हैं अयोध्या मंडल ब्यूरो चीफ दिनेश कुमार वर्मा की एक रिपोर्ट। किसान भी हैं, ये अयोखा संगम है। आप जो है किसान भाई हैं और इधर जवान भाई हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? जो ज्ञापन दिया गया इस बारे में आप क्या कहना है? हमारा जो ज्ञापन है, किसानों के साथ जो लावा हो रहा है, जैसे इस समय की सबसे बड़ी समस्या है पराली जलाने पर जो मुकदमा लिखे जा रहे हैं, उसके विरोध में हमने ज्ञापन दिया है। पराली जलाने से जो ये प्रथा है, ये सरकार ने स्टार्ट कराई थी और आज जो है अभी पीलीभीत में 300 किसानों पर मुकदमा लिखा गया, उसके विरोध में हमने ज्ञापन दिया कि हमारे बाराबंकी जनपद में अगर एक भी किसान पर मुकदमा लिखा गया, मुख्यालय जो है पूरा, ये जो मुख्यालय जहाँ बैठते हैं कुर्सियों उठवा देंगे बाराबंकी से, अगर किसी एक किसान पर मुकदमा लिखा गया तो। क्यों? क्योंकि जो है अभी पर्यावरण दिवस के दिन 45 लाख पेड़ लगाए गए, जवाब नहीं दे पा रहे, पहले उसका जवाब दें। हमको 200 करोड़ रुपये हमारे बाराबंकी जनपद में फसल बीमा के नाम पर घोटाला हुआ, उसका जवाब दे पहले। और उससे पहले जो भी अभी एक किसान हमारा जो आत्महत्या किया है बैंक के प्रेशर से, बैंक और पुलिस ने इतना प्रेशर बना दिया, दबाव बना दिया कि दबाव के कारण उसने आत्महत्या कर ली, उसके खिलाफ अगर कोई भी बैंक कर्मी किसी किसान के घर पहुंच गया तो बैंक कर्मी पुलिस कर्मी की खैर नहीं बाराबंकी जनपद में। अगर बाराबंकी में रहना है तो किसान से बदतमीजी नहीं, बिल्कुल नहीं बता सकती। भारतीय किसान के मानों ने इसका ज्ञापन दिया है। धन्यवाद। मुलाकात की है, किस संबंध में बात की है, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? मैं सुनियारनगर जयप्रकाश मिश्रा, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश। आज हमने वेटर्स इंडिया के तरफ से जिला अधिकारी महोदय के पास 3 पॉइंटों को लेकर के आए हैं। पहला पॉइंट ये है कि हमारे जो जितने जिले हैं उत्तर प्रदेश के, सभी जिलों में पूर्व सैनिकों के लिए ECHS और CHD कैंटीन होना चाहिए, क्योंकि बहुत जिलों में नहीं पाया गया है। 50% जिलों में ऐसा है जहाँ की CHD कैंटीन और ECHS नहीं है, जहाँ के लोगों को दूसरे जगह जाने में काफ़ी परेशानी होती है, पैसा खर्च होता है, जिसकी वजह से वो फैसिलिटी वो नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए हमने मांग किया कि हर जिले माननीय रक्षा मंत्री से मांग किया है, राजनाथ साहब से अपील किया है कि हर जिला में एक CHD और ECHS दोनों फैसिलिटी होना चाहिए, जिससे कि सैनिकों को सुविधा मिले और उसका फैसिलिटी वो उठा पाए। दूसरा पॉइंट हमने ये उठाया कि हमारे भूतपूर्व सैनिक या कार्यरत सैनिक भी हैं, बहुत ऐसे कार्यरत सैनिक जो छुट्टी के दौरान आते हैं, लेकिन वो क्या है कि उनके पास समय का अभाव की वजह से अपनी समस्या को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। सामाजिक तत्व उसमें क्या है, कोई भी कार्यालय सही रूप से उसके ऊपर एक्शन नहीं लेता है, उनके परिवार की कोई बात नहीं सुनता है। ऐसे में क्या है कि महीने में एक दिन हर तीसरे शनिवार को या जो भी निर्धारित करे जिला अधिकारी महोदय, महीने में एक बार शासनादेश की तरफ से महीने में हर शनिवार को एक दिन 2008 से ही लागू है। उसमें 16 में ये भी दिखाया गया कि मैं सुना गया कि अभी तक बहुत जिलों में नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, इसके ऊपर कड़ाई से ध्यान दिया जाए, जबकि सभी को उन्होंने निर्देश भी दिया है। इस पॉइंट को हम लेके आए हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में भी जिलाधिकारी ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने दिया बिल्कुल सही है, ऐसा होगा। हाँ, धन्यवाद। माध्यम से आए हैं तो आपका नाम क्या है, इस संगठन किस पद पर काम करते हैं, मेन मुद्दा क्या था जिलाधिकारी से मुलाकात करने का? मैं कैप्टन विजय श्रीवास्तव, मैं वेटनस इंडिया का सलाहकार हूँ और बाराबंकी जनपद में तमाम ऐसी समस्याएं थी जिनको हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया है। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि 2008 में एक शासनादेश निकाला गया था जिसमें पूर्व सैनिकों के लिए सैनिक बंधुओं के गठन के बारे में कहा गया था। ये सभी जिलाधिकारी समस्त मंडलाध्यक्षों के बारे में, समस्त पुलिस अधीक्षकों के लिए संदर्भित पत्र था, शासनादेश था,
परंतु उसके बाद जब इस पर त्वरित कार्रवाइयाँ नहीं हो रही हुई तो 30 जून 2016 को एक शासनादेश निकाला उत्तर प्रदेश शासन ने कि इस पर सैनिकों की समस्याओं का निस्तारण नहीं किया जा रहा है, अतः कड़ाई से अनुपालन करने के लिए सैनिक बंधुओं का गठन किया जाए और हर महीने के तीसरे शनिवार को इस मीटिंग की जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में मीटिंग हो जिससे सेवारत सैनिक और सेवानिवृत्त सैनिक उनकी समस्याओं का निस्तारण हो सके। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जो सेवारत सैनिक आते हैं ड्यूटी पर, आमतौर पे होता है घर पे कोई होता नहीं है, माँ बाप होते हैं, भाई होते हैं, उनकी ज़मीनों पर, उनके घरों पर, उनके यहाँ पे असामाजिक तत्वों द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। ये आमतौर की समस्याएँ हैं। और जो पूर्व सैनिकों की समस्याएँ हैं वो सामाजिक भी होती हैं, कुछ इस तरह की भी होती हैं जो मैंने आपको भूम संबंधी बताया, किसी के हमारे दो सैनिकों के यहाँ चोरी हो गई थी उसका भी जांच चल रही है। तो इस तरह से अगर वो एक जगह पे मीटिंग होना सुनिश्चित हो जाए तो मैं समझता हूँ कि जो शासनादेश है उसका अनुपालन होगा और हमारे सेवारत और पूर्व सैनिकों को हमेशा एक जगह पे से सिंगल विंडो से लाभ मिलने लगेगा। धन्यवाद। जो कि जिले के सभी सैनिक और सेवारत और पूर्व सैनिकों के लिए लाभदायी होगा, उनका कल्याण होगा।